हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि हरियाणा पब्लिक कमीशन सर्विस की तरफ से हमें यहाँ पर कुछ वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और यहाँ पर हम सिर्फ नंबर uh, ऑफ वैकेंसीज डिस्कस करेंगे और जो आर्यताएँ योग्यताएँ एलिजिबिलिटी हम लोगों को देखने को मिलेगी आज हम वो चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करेंगे सिलेबस सिलेबस का जो सेक्शन है और जो यूनिट्स है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है इसलिए उसका जो वीडियो होगा वो हम थोड़ा अलग बनाएंगे या कल अपडेट करेंगे आज के लिए हम हरियाणा कमीशन की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसके विषय में डिस्कस करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से ये वैकेंसी आई है एडवर्टाइजमेंट जो नंबर है वो आपका ठीक है जो नंबर है एडवरटाइजमेंट नंबर है वो आपका है एटीन टू थर्टी सेवन ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर डेट ऑफ पब्लिकेशन ये आपका तेईस तारीख को यानी ट्वेंटी थर्ड ऑफ सेवेंथ यानी जुलाई में आ, आपको एनरोल किया जाएगा यहाँ पे ये कह रहा है कि द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर यानी जो पर्टिकुलर वैकेंसीज हमको देखने को मिलेंगी वो पीजीटी से रिलेटेड है ठीक है जिसमें कि आप मास्टर डिग्री अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल होंगे बाकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन किया गया उसे हम वेरीफाई करेंगे और आप अपनी चीज़ों को उससे मैच जरूर करिएगा हमारे वीडियो के बाद भी आप उन सब चीज़ों को एनालाइज करिएगा और क्या क्या चीज़ें डिमांडेबल हैं उन्हें गौर फरमाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम आते हैं अपने देखिए नेक्स्ट कह रहा है कैंडिडेट हैव द कंपल्सरी रजिस्टर्ड ऑनलाइन विजिटिंग ठीक है ऑनलाइन फॉर्म आपके भरे जाएंगे और ये जो वेबसाइट है ये वेबसाइट आपकी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट डॉट इन द सबमिटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये जो फॉर्म होंगे ये यहाँ पर इस वेबसाइट के थ्रू आपको मिलेंगे और यहीं पे आपके सबमिट होंगे आफ्टर द रजिस्ट्रेशन द लॉन्ग आई डी वुड बी द क्रिएटेड एंड द कैंडिडेट्स विल हैव द कम्प्लीट टू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाई यूजिंग द लॉग इन आई डी अब देखिए ये जो प्रोसेस है ये फॉर्म फिल करने के लिए है ये तो सभी लोगों को समझ में आता है कि हमें फॉर्म फिल करना है तो हमें आई डी वगैरह पासवर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है ठीक है ये वेबसाइट दी हुई है और यह, यहाँ पे डेट मेंशन है कि तेईस तारीख यानी ट्वेंटी थर्ड ऑफ जुलाई को ये हमें पब्लिश की गई है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो आप ये यह यहाँ पे स्टार्टिंग है ये जो डेट है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है यानी तेईस तारीख को हमें ये डेट ऑफ पब्लिकेशन दिखाई दे रही है ओपनिंग द डेट ऑफ दिशा पब्लिकेशन यानी ओपनिंग डेट जो है वो 25 तारीख से शुरू हो जाएगी ठीक है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एच पी एस सी गवर्नमेंट डॉट इन यहाँ पे दो आपके कैडर मेंशन किए जाएंगे जो हम आगे देखेंगे जिसमें कि हरियाणा और मेवात कैडर के अंतर्गत ये वैकेंसीज आपको आ, शो कराई जा रही है नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट आप देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए बहुत लेंदी है हम बहुत शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कि जो अब सिर्फ हम अपने सब्जेक्ट के विषय में डिस्कस करेंगे फाइन आर्ट से रिलेटेड ठीक है द कैंडिडेट अपलाइंग द पोस्ट शुड बी एंश्योर दैट द एलिजिबल uh, eligibility condition for the post their admission recruitment process ye like jo bhi aapke cheeze hain ye uh, uske vishay mein charcha kar raha the eligibility of candidate with the reference to the document submitted by his sorry her him and asset only after the candidate has a qualified for the interview। जब ये सारी आर्यताएं होंगी या सारी चीजें जब qualify होंगी तब आपके लिए इसमें interview भी निहित किया गया है यानी इस section में आपको interview भी देखने को मिलेगा हाउ टू अप्लाई ये ऑल जितनी भी चीजें हैं ये सब आप लोगों के लिए अंडरस्टूड है कैसे एक्सेप्ट करना है कौन सी वेबसाइट पे जाना है ये सब बताने के लिए नहीं है लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन इशू ऑफ एडमिट कार्ड द ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड अप टू द क्लोजिंग डेट फोर्टीन ए ट्वेंटी फोर टेल फाइव ओ क्लॉक ठीक है शाम के पांच बजे तक आपका जो है वो आपके फॉर्म चौदह तारीख को सबमिट हो जाने चाहिए द एलिजिबल कैंडिडेट बी इशूड एन ई एडमिट कार्ड यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा जो एडमिट कार्ड आपको मिलेंगे ये बाय पोस्ट नहीं आएंगे आपको खुद ही यहाँ से लॉग इन पासवर्ड आईडी वगैरह डाल के आपको अपना एडमिट कार्ड जनरेट करना होगा द कमेंट ऑफ द रिटर्न टेस्ट द ई एडमिट कार्ड विल बी मेड अवेलेबल ऑफ वेबसाइट ये जो वेबसाइट है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए इसके जितने भी डॉक्यूमेंट्स पासवर्ड आई डी वगैरह ये आ, आपको सब बहुत अच्छे से सिक्योर करके रखनी है नेक्स्ट द फैसिलिटी ऑफ काउंटर ऑफ़ ऑफ़ गाइडेंस कैंडिडेट या कोई भी हेल्पलाइन या किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आती है तो आप इस डेस्क में ईमेल कर सकते हैं या उनका ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है ये टोल फ्री नंबर है हालांकि लगता नहीं है लेकिन ये नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है ये टाइमिंग दी हुई है इसके अंतर्गत आप यहाँ पर कोई भी हेल्प ले सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट ऑफ कैटेगरी वाइज कैटेगरीज वाइज आपकी जो भी पोस्ट है आप देखिए हर जगह ध्यान दीजिएगा ये टीजीटी टी की नहीं है पीजीटी की यानी प्रवक्ता के लिए है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए यहाँ पे वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी आप देखते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हम देख पाएंगे अपने सब्जेक्ट में नंबर सेवन ठीक है नंबर सेवन पे हम ध्यान देते हैं नंबर सेवन फाइन आर्ट्स यहाँ देखिए रोहतक और मेवा दो कैडर का यूज किया गया है यहाँ पर आपकी बारह है और यहाँ पर चार ठीक है तो अगर हम टोटल इसको काउंट करते हैं तो सिक्सटीन जो आपकी फाइन आर्ट से रिलेटेड वैकेंसीज है यहाँ पे हम सोलह वैकेंसीज देख पा रहे हैं इसके अलावा अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट जो कि हम लास्ट में बताते हैं फिर जनरल एस सी बी सी यानी आपका जो बैकवर्ड होता है ठीक है ओ बी सी कैटेगरी में ए यानी क्रीमिलियर और नॉन क्रीमिलियर उसमें भी ये वैकेंसीज आपको देखने को मिल सकती हैं ठीक है तो बहुत ज़्यादा तो पोस्ट नहीं है लेकिन हाँ जितनी भी हैं उतनी हमारे लिए बेस्ट हैं अब जो अगर हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट की आप देखिए इसमें सारे सब्जेक्ट मिल रहे हैं भले ही कुछ कुछ वैकेंसीज है लेकिन सारे सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है टोटल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है आपकी तीन हजार ठीक है उनहत्तर ठीक है उनहत्तर यानी थ्री थाउजेंड सिक्सटी नाइन और ये हम देखते हैं यहाँ पर तो कितनी है वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड थ्री सेवन हंड्रेड थ्री, ठीक है अच्छा ओके okay. वो था हमारा कैडर ठीक है कैडर हमारी वैकेंसी जो है वो 1703 तीन के अंतर्गत है कितनी है 1703 तीन फाइन आर्ट्स में सिक्सटीन वैकेंसी हैं, ये आपके शॉर्ट फॉर्म दिए हैं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये वहां पे इंपॉर्टेंट है अदरवाइज यहां पे डिस्कस करने के लिए इसका कोई भी महत्व नहीं है इसेंशियल क्वालिफिकेशन ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ देखिए दो पेपर होंगे स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सेकंड पेपर होगा और दोनों ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी न्यूनतम आह्यता होती है आप ये मत सोचिएगा कि अगर 25 परसेंट कह रहा तो हम सिर्फ पच्चीस परसेंट के अंतर्गत ही सिमिट के रह जाएंगे आप जितना भी उसमें मार्क्स गेन करेंगे उतना आप मतलब नियरेस्ट रहेंगे सेकेंड पेपर के लिए या सेकेंड पेपर में जितना भी आप अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे उतना आप इंटरव्यू के लिए

और लगा हुआ यानी टेन प्लस टू बी एम ए विद हिंदी आपके पास हिंदी सब्जेक्ट होना चाहिए चाहे वो आपके पास टेंथ में हो बी एम ए हो एमए में हो लेकिन होना कंपलसरी है नेक्स्ट कह रहा है सर्टिफिकेट है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास एच टेट होना इंपॉर्टेंट है क्या है एसटेट होना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट या आपके पास और लगा हुआ है श्रेष्ठ लगा हुआ है ठीक है है स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी यानी भी दोनों में से आपके पास जो भी सर्टिफिकेट अवेलेबल हो अगर ये एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है ये आपके पास नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे ठीक है चलिए बाकी स्कूल स्कूल रिगार्ड रिगार्ड है नेक्स्ट आते हैं आप देखिए यहां पे अब सब्जेक्ट वाइज क्या जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे हम उसके विषय में थोड़ा बहुत देखते हैं द देंश्रियल क्वालिफिकेशन ऑफ वेरियस पोस्ट डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उसके लिए आ, जो पोस्ट दी हुई है यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यानी जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट फाइन आर्ट फाइन आर्ट में बहुत सिंपल सा आपके लिए यहाँ पे बहुत भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन दिया ही नहीं है यहाँ देखिए सिंपल सा एक डिग्री दिया हुआ है एम सॉरी यहाँ पे दिया हुआ फाइन आर्ट एम ए फाइन आर्ट विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट मार्क्स एंड बी एड ये जो सेक्शन है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है इसीलिए मैक्सिमम अब फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट भी बी एड की तरफ अपना रुख देख रहे हैं कि मैक्सिमम जितना भी स्टूडेंट पास आउट हो रहा है वो बी एड जरूर कर रहा है ठीक है एम ए फाइन आर्ट्स विद एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट आप देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आएंगे कि मैम एम एस ये हम क्लियर नहीं कर रहे हैं लेकिन मास्टर डिग्री ठीक है आपको समझ में आना चाहिए एम ए दैट मीन्स आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए जिसमें कि आपके जो नंबर है मार्क्स है वो आपके पचास प्रतिशत होने चाहिए एटलीस्ट फिफ्टी परसेंट और जो मेन जो आपकी डिग्री है वो बी एड की मान्य होगी बी एड नहीं है तब भी आप ये एलिजिबल नहीं होंगे फॉर्म फिल करने के लिए ये होगी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ये देखिए सारे सब्जेक्ट में मतलब बहुत अच्छी वैकेंसी आई कि हर एक सब्जेक्ट को इन्होंने शो किया है आप देखिए यहां पे जो पैटर्न है वो किस तरीके से दिखाई देगा यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा जब हम इसके सिलेबस के बारे में हम जब नेक्स्ट डे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे तो सिलेबस इसका बहुत ही ज्यादा इन्होंने ब्रॉड शो किया है द स्क्रीनिंग टेस्ट नंबर वन में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट जो कि आपके फर्स्ट uh, पेपर के एनरोल में होगा ठीक है वेन एवर एप्लीकेबल द टोटल ऑफ नंबर ऑफ एम सी क्यू कितने आने हैं हंड्रेड आने हैं कितने हैं हंड्रेड द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इनक्लोजर दर ऑफ वन टू ट्वेंटी आप देखिए यहाँ जो यूनिट दी हुई है वो वन टू ट्वेंटी है तो आप समझ सकते हैं कि एक यूनिट नंबर टू यूनिट ऐसे करते करते बीस यूनिट है ठीक है तो जो सिलेबस है उसके विषय में हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे टाइम ड्यूरेशन रहेगा टू आर्स जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हंड्रेड है ऑल क्वेश्चन द इक्वल मार्क्स सभी के लिए एक एक मार्क्स अवेलेबल कराया जाएगा अभी इंटरेस्टिंग और भी कुछ चीज़ें हैं द ईच क्वेश्चन विल बी द फाइव ऑप्शन यहाँ पे जो आपके ऑप्शन मिल रहे हैं वो फाइव ऑप्शन है नंबर ए बी सी डी एंड ई ठीक है तो जो भी आपके आंसर्स ठीक होंगे यानी जो भी नंबर्स का आंसर आपको ठीक लगेगा उसमें आपको सर्कल करना है यहाँ पे पांच सेक्शन मिलेंगे इफ ये इंपॉर्टेंट है ये बहुत बच्चे को ध्यान ना दे एग्जाम के टाइम पे या प्रेशर के टाइम पे लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा द कैंडिडेट अटैम्पिंग द क्वेश्चन ही शी शेल हैव टू डार्क इन द अप्रोप्रिएट सर्कल ए बी सी डी जो भी आंसर आपको राइट लग रहा है उसको तो सर्कल करना है एंड इफ नॉट अटैम्पिंग द क्वेश्चन देन द शेल हैव डार्क इन ई सर्कल किसको आपको सर्कल करना है ई e. अगर आपने कोई भी क्वेश्चन अटैम्प नहीं किया है तो उसमें आपको क्या भरना है मतलब ई वाले सर्कल को डार्क करना है इफ नन ऑफ दीज फाइव सर्कल यानी यानी आपका जो मार्क्स मार्क्स है वो बी ये अगर आपने क्वेश्चन यू ही छोड़ दिया है कोई भी सर्कल नहीं फिल किया है तो वहां पे आपको माइनस मार्किंग देखने को मिलेगी ओवरऑल भी माइनस मार्किंग है लेकिन ये तो बिना बात के ही अगर आपने कोई भी इसमें ई e सेक्शन को फिल नहीं किया है नॉट अटेम्पिंग वाला क्वेश्चन नहीं फिल किया तो आपके ये मार्क्स डिटेक्ट होंगे नेक्स्ट कह रहे मोर देन टेन परसेंट क्वेश्चन अपने जितने भी क्वेश्चन है अगर उसका टेन परसेंट क्वेश्चन शेल बी डिस्कालीफाइड अगर उसने सपोज करिए दस प्रश्न से ज्यादा प्रश्न छोड़ दिए हैं बिना सर्कल किए हुए तो उसे डिस्कालीफाई कर दिया जाएगा तो ये जो लाइन है ये आपके लिए

होम साइंस आई डोंट नो होम साइंस इन्होंने क्या इंग्लिश में डाला हुआ है मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट होके आएगा नेक्स्ट बिलेंगुल में आपका जो आएगा हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में होगा कॉमर्स इकोनॉमिक्स फाइन आर्ट्स जोग्राफी हिस्ट्री म्यूजिक फिजिकल एजुकेशन पॉलिटिकल साइंस साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी ठीक है तो इस चीज़ पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि जो सब्जेक्ट आपके बिलेंगल में है वो बिलेंगुल में मिलेंगे और जो इंग्लिश लैंग्वेज में है वो आपको उसी लैंग्वेज में प्रोवाइड कराए जाएंगे नेक्स्ट कह रहा है लैंग्वेज सब्जेक्ट सच एज इंग्लिश हिंदी संस्कृत उर्दू पंजाबी विल बी देयर द रिस्पेक्टिव लैंग्वेज ओनली ये जो सारे सब्जेक्ट हैं ये अपनी ओन लैंग्वेज में होंगे अभी इसमें कुछ कुछ चीजें और इंटरेस्टिंग है वो हम लास्ट में अभी डिस्कस करेंगे ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए हाँ अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये आपका सेकेंड पेपर का है ठीक है जो सब्जेक्ट नॉलेज जो आपका आ, देखेगा कि आपके सब्जेक्ट में आपका कितना कमांड है इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट पेपर तो स्क्रीनिंग टेस्ट है लेकिन आपका सब्जेक्ट यहाँ पे बहुत ही लाइटली मत लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस सिलेबस एक्चुअली इन्होंने क्या किया बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करके जो उसके सब्जेक्ट्स वगैरह हैं या जो भी परसेप्शन है उसको बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस करके प्रजेंट किया है जिसके कारण आपको देखने में वो टफ लग सकता है ठीक है अदरवाइज सब्जेक्ट वही है और जो पैटर्न है जो अंदर की डेफिनेशन है लेसन्स हैं चैप्टर्स हैं वो सब सेम है कुछ वर्ड्स अलग है अदरवाइज नहीं ठीक है टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे जो टाइमिंग है वो थ्री आवर्स का है कितना है थ्री आवर्स का है टोटल नंबर ऑफ मार्क्स वन फिफ्टी ध्यान दीजिएगा ठीक है थ्री आवर्स वन फिफ्टी ये सेकेंड टेस्ट पेपर का है नेक्स्ट कह रहा है द सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इनक्लोजर यहाँ पे भी आपको मैंशन कर रहा है कि एक से लेकर बीस तक की यूनिट का सब्जेक्ट दिया हुआ है ठीक है नेक्स्ट फिर एज uh, यूशल जैसे कि हम लोग ऊपर देख रहे थे कि ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज बायोलॉजी केमिस्ट्री होम से एज इट वैसे ही होगा जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है इंटरव्यू भी मेन है ठीक है इंटरव्यू भी यहां नंबर नंबर थर्ड में हम आते हैं इंटरव्यू वाइवा वॉइस ठीक है वेटेज ऑफ इंटरव्यू विल बी ट्वेल्व परसेंट जो भी आपका जो क्राइटेरिया मेंटेन किया गया ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट का है और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा मैं बार बार आपको रिकमेंड करूँगी कि नॉट ए ट्वेंटी फाइव और थर्टी थ्री परसेंट आपका जो पासिंग मार्क्स है उससे नहीं उससे आपको एवब लेके आना तब आप उस लिस्ट में अपना नाम सर्च कर पाएंगे और उसके लिए अगर आप इच्छाएँ रखते हैं अपने चीज़ों को पाने के लिए तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है सक्सेस विद सुनील सर ऐप है उसे डाउनलोड करिए और हमसे क्लासेस लेना चाहते हैं तो ज़रूर हमसे जुड़िए और हम उसमें आपको सारे सब्जेक्ट सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे पीडीएफ होगा हैंड रिटन नोट्स होंगे मतलब तो जितना भी आपके लिए सफिशेंट है उतना हमारी क्लासेस से आपको मिलेगा नेक्स्ट कह रहा है इन केस द म्यूजिक आप देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है आप देखिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट दिया गया है इसे फाइन आर्ट्स वाले विशेष रूप से ध्यान दें ये तो आप छोड़ दीजिए इंटरव्यू है वो आपका सेकेंडरी है यहाँ पे मतलब या तो इंटरव्यू के साथ ही हो सकता है या स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद जो भी आपका होगा स्किल टेस्ट होगा कौन कौन से सब्जेक्ट में केस ऑफ म्यूजिक यानी हो सकता है कि आपसे गा के सुने नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन में जो भी एबिलिटीज वो शो करना चाहेंगे देखना चाहेंगे वो आपसे कहेंगे नेक्स्ट आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है फाइन आर्ट्स या तो आपसे ड्रॉ करवाएंगे या yeah, जो भी आपके पास स्ट्रीम होगी ड्राइंग से रिलेटेड वो उस फील्ड में आपकी स्किल को देखना चाहेंगे ठीक है तो ये आपका एक थोड़ा सा सस्पेंसिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट था इस सेक्शन में पे स्केल बहुत अच्छी है ठीक है पे स्केल देखिए फोर्टी सेवन थाउजेंड टू वन फाइव वन लैक्स के आसपास है एज यूजल अलाउंसेस एप्लीकेबल टाइम टू टाइम तो सैलरी वो बहुत अच्छी है बस लग जाइए द सर्विस रूल ऑफ द पोस्ट ये भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एलिजिबिलिटी ऑफ नेशनलिटी अब देखिए सभी को यहाँ पे मौका मिल रहा है सिटीजन ऑफ इंडिया नेपाल भूटान तो कॉम्पिटिशन टफ है ठीक है कॉम्पिटिशन आपका टफ जाएगा रिलैक्सेशन जैसे कि देखिए सभी जगह मिलता फाइव ईयर्स का उसी अकॉर्डिंग है वो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ठीक है द रिलैक्सेशन ऑफ मैक्म एज द वेरियस कैटेगरी अवेलेबल अंडर ये आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को ध्यान दीजिएगा एज लिमिट्स ठीक है हा ये एक चीज है यहाँ पे एज लिमिट ठीक है कैंडिडेट शुड बी शुड नॉट बी लेस देन 18 18 से कम नहीं होना चाहिए ना मोर देन फोर्टी टू ईयर्स बयालीस साल से अधिक नहीं होना चाहिए जो भी आपका रिलैक्सेशन होगा उसके बाद होगा ठीक है तो फाइव टू फोर्टी सेवन ईयर्स आपके पास हैं ठीक है द क्लोजिंग डेट सबमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ टू द कमीशन फोर्टीन एट ठीक है फोर्टीन चौदह अगस्त को आपका शाम पाँच बजे ये जो uh, वेबसाइट है ये क्लोज कर दी जाएगी तो कोशिश करिए फॉर्म जब से शुरू हो और एक्सटेंड होने का वेट मत करिएगा कि अरे दो चार दिन बढ़ेगा डेट एक्सटेंड होगा इस पर मत दीजिएगा आपका जो काम है आप उस पे ध्यान दीजिए ठीक है यहां देखिए ये अकॉर्डिंग टू वाइज आपका रिलैक्सेशन मेंशन किया गया है शेड्यूल कास्ट यानी जो एस सी है हरियाणा के आप ये भी देखिए मेंशन है हरियाणा फाइव इयर्स बैकवर्ड क्लासेस ऑफ हरियाणा फाइव इयर्स डिसेबल पर्सन के लिए भी फाइव इयर्स तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको ध्यान दे सकते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है अनमेरिड वुमेन के लिए भी पाँच साल है बहुत अच्छी चीज़ है कि पाँच साल उन्हें भी रिलैक्सेशन दिया जा रहा है ठीक है तो ये आपका एज यूजल जो कि आपकी कैटेगरी आपकी चीज़ों पे है वो आप खुद इस पर ध्यान दीजिएगा और मैक्सिमम जो भी एरिया वाइज होता है स्टेट वाइज होता है वैसे आपको रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है ये सारे रिलैक्सेशन है जो कि आपको स्वयं देखने हैं और इसमें इतना खास नहीं है क्योंकि 92 पेजेस का आपका ये पीडीएफ है और पढ़ने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन आप सिर्फ अपने मतलब की चीज़ें देखिए कि आपको क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको एक बार एक झलक उसका सिलेबस का भी शो करना चाहूँगी बाकी देखिए यहाँ पे एक्स सर्विस मैन का भी है तो एप्लीकेशन फीस ठीक है एप्लीकेशन फीस है द फॉर मेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडेड द वन थाउजेंड ठीक है कितना दे रहा है वन थाउजेंड एक हजार रुपये है इसका जो फीस है फिर मेल फॉर मेल कैंडिडेट का डी कैटिगरी ऑल अदर स्टेट सभी के लिए मेल के लिए यहाँ पर एक हजार रुपये फॉर ऑल फीमेल फॉर ऑल फीमेल कैंडिडेट जनरल कैटेगरी इंक्लूडिंग फीमेल डिपेंडेंट ई एम एस हरियाणा ओनली दो सौ पचास ठीक है महिलाओं के लिए 250 सौ है इसके बाद बैकवर्ड ये भी आपका 250 सौ पचास है और फॉर ऑल पर्सन विद डिसेबिलिटी कैटेगरीज कैंडिडेट विद नील उनके लिए कोई भी शुल्क नहीं है पूरी तरीके से निशुल्क है नेक्स्ट कह रहा है फॉर ऑल 40 परसेंट डिसेबिलिटी ठीक है ये क्राइटेरिया भी मेंटेन किया गया है ये नहीं कि सभी डाल देंगे ठीक है जो आपके पास सर्टिफिकेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे निःशुल्क फॉर्म भर सकते हैं नॉट बी रिफंडेबल दोस्त कहाँ वापस मिलता है स्पेशल इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग टू सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन चेक द पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अपलोडेड डॉक्यूमेंट सबमिशन आप देखिए यहाँ पे जो है ना जो भी आपके पास सर्टिफिकेट होंगे वो आपके टिल फोटीन अगस्त के पहले के होंगे उसके बाद या आप सोचिए कि मतलब हम आ, कर रहे हैं या मार्कशीट हमारी दो दिन बाद मिलेगी ऐसा यहाँ पर नहीं चलेगा विद डेट आपके फॉर्म्स फिल होंगे बाकी इसमें देख लीजिएगा फोटोग्राफ वगैरह है कैसे क्या डालना है कितना है उसका करके कर करना है ये सब आपके ये फॉर्म जब आप फिल करेंगे तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी आधार कार्ड स्कैम कॉपी ऑफ द परिवार पहचान पत्र ठीक है अब आते हैं हम सिलेबस पर आप देखिए यहां मैं सिर्फ आपको नॉर्मली इंट्रोड्यूस कराऊंगी बाकी इसका जो वीडियो होगा वो हम बाद में अपडेट करेंगे यहाँ से आपके सिलेबस का पैटर्न स्टार्ट होता है और ये देखिए फाइन आर्ट्स ठीक है यूनिट फर्स्ट आप देखिए ये इसको इतना एनहेंस करके इन्होंने रिप्रेजेंट किया है तो आपको देखने में टफ लगेगा अदरवाइज जो भी आपका बेसिस uh, हैं आपकी टीजीटी से पीजीटी से रिलेटेड टीजीटी छोड़ दीजिए लेकिन अगर आप पीजीटी पढ़ेंगे तो टीजीटी का भी सिलेबस आपको कंप्लीट आना चाहिए क्योंकि बीए के बाद ही आप एम करते हैं ठीक है तो आप ये देखिए यूनिट टू यूनिट थ्री बहुत सारी चीज़ें यूनिट फाइव ठीक है सिक्स सेवन अगर हम देखें तो सिक्सटीन नंबर से हमारा इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होता है ठीक है तो ये सिलेबस का देखिए सेक्शन बहुत ब्रॉड है और ऐसा भी नहीं है कि आपने पढ़ा नहीं होगा बी एम की कुछ चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट होंगी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें जब इसमें ग्राफिक्स एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये सारी चीज़ें पूछी जाती तो कहीं ना कहीं आपके लिए नेट के क्वेश्चन पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है यानी आप अपने जो भी आपका परसेप्शन है उसका उसको इतना ब्रॉड करके चलिए ना कि आपके सारे सेक्शन उसमें कवर नेट एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें एडवर्टाइजमेंट ग्राफिक एड, ये सारी चीज़ें आपको एक साथ देखने को मिल जाएंगी पीजीटी के जो भी आपके फेमस आर्टिस्ट हैं या अदर चीज़ अदरशन है ये सारी चीज़ें आपको एक के ही क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे सकती हैं या दिखाई देती हैं तो आप नेट के क्वेश्चन पेपर को भी पढ़ना चालू कर दीजिए क्योंकि आप ये समझिए कि क्वेश्चन पेपर कोई भी हो किसी भी स्टेट का हो रिपीटेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यानी रिपीट क्वेश्चन 101 परसेंट पूछे जाएंगे माइनस है इसलिए आपको बहुत बारीकी से इस प्रश्न पत्र को हल करना है बिना किसी मतलब कहते हैं ना प्रेशर के अगर आप बिना प्रेशर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो हंड्रेड वन परसेंट अपने जो आपका जो गोल है ना उसको अचीव करेंगे ठीक है तब तक के लिए अब हम अपनी क्लास को बंद करते हैं फिर हम मिलते हैं सिलेबस के साथ ओके okay, बाय